हाँ भाई, अब हम लोग करने जा रहे हैं क्रिटिकल एंगल को समझने जा रहे हैं। उसके लिए जो क्राइटेरिया सुन लो गौर से, जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मूव करती है, ध्यान से सुनना, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मूव करती है तो होता क्या है उसके साथ, वो नॉर्मल से दूर हटती है ना, नॉर्मल से दूर जाती है। ऑब्वियस सी बात है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, रेयरर मीडियम का मतलब लेस डेंसर, रेयरर मीडियम का मतलब लेस डेंसर, ठीक है। तो जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम यानी लेस डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, दूर चली जाएगी। उस केस में होता क्या है, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दो मीडियम है, म्यू टू मैंने ऊपर बनाया, म्यू वन नीचे बनाया, यानी डेंसर मीडियम ऊपर है, रेयरर मीडियम नीचे है। तो लाइट रे जब इंसिडेंट हो रही है इन दोनों के इंटरफेस पे, तो इंसिडेंट होने के बाद रेयरर मीडियम में जब जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जा रही है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 32 डिग्री था, अब वो हो गया 57 डिग्री, तो नॉर्मल से दूर हट गई ना। ये नॉर्मल है आपका, ये एन है, ये एन डैश है, यहाँ पर भी एन एन डैश, ये डॉटेड लाइन आपका नॉर्मल है इंटरफेस का, ठीक है। अब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और कम कर दिया, ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने क्या किया, सॉरी कम कर दिया, कर रहे हैं बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने क्या किया यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 32 से बढ़ा के हमने 35 कर दिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा। अब होता क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होगा, और बढ़ जाएगा, 57 था 68 हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया अगले स्टेप में, 35 डिग्री से कर दिया 39, तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, 76 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 76 डिग्री हो गया। फिर हमने अगले स्टेप में क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, 39 से 42 कर दिया, यानी फिर से बढ़ा दिया ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी इंटरफेस के पैरेलल हो गई लाइट रे। इसको ग्रेजिंग करना कहते हैं, लाइट ग्रेज कर रही है इंटरफेस के पैरेलल में, ट्रेवल करने लगी, ठीक है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे ग्रेज करने लगे, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ये पॉइंट याद रखना, डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री, अलग अलग मीडियम का क्रिटिकल एंगल अलग अलग मीडियम में अलग अलग, मतलब देखो इसमें एक चीज़ याद रखना कि जब भी डेंसर मीडियम से लाइट रे रेयरर मीडियम में जाना चाहेगी तभी क्रिटिकल एंगल का केस बनेगा, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट रे तो क्रिटिकल एंगल का केस नहीं बनता है। मैंडेटरी क्राइटेरिया क्या है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में लाइट रे जाएगी तभी क्रिटिकल एंगल का केस बनेगा, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जाएगी तभी ना दूर हटेगी, तब ना ग्रेज पॉसिबल है, ग्रेज करना पॉसिबल है। बात समझिए, समझ में आई कि नहीं आई बात, रेयरर से डेंसर में जाएगी तब क्रिटिकल एंगल की सिचुएशन नहीं बनेगी, लाइट रे ग्रेज नहीं करेगी इंटरफेस के साथ, यानी पैरेलल में चलना, यहाँ पैरेलल में चलने लगी ना, साथ में ग्रेज करने लगी, साथ में पैरेलल में इंटरफेस के साथ चलने लगे, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बन गया। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये ग्रेज की है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बना है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। याद रहेगा, भूल जाओगे, भूलोगे तो मार भी खाओगे और क्या।